नमस्कार दोस्तों, एडवांस टैक्स यानी अग्रिम कर, ये क्या होता है? ऐसे किसी करदाता ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि अनुप जी, ये अग्रिम कर होता क्या है और क्यों हमें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, कब हमें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, अगर हम एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न दोस्तों जब मेरे पास में आए तो मुझे लगा क्यों ना एडवांस टैक्स के विषय पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई जाए जिसमें अग्रिम कर या एडवांस टैक्स संबंधित सब पक्षों पर एक साथ एक जगह में डिस्कस करूं और सब लाभान्वित हो। तो आइए दोस्तों, इसी दृष्टि से एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं जिसका टाइटल मैंने रखा एडवांस टैक्स ऑल एस्पेक्ट्स कवर्ड। आई एम होपफुल इस वीडियो के थ्रू एडवांस टैक्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पक्ष मैं आपके सामने रखूंगा और आप उनसे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब दोस्तों, सबसे पहला पक्ष आपके समक्ष ये रख रहा हूं, व्हाट इज एडवांस टैक्स, आखिर यह एडवांस टैक्स होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ का कॉन्सेप्ट तो ऐसा है कि आप एक वित्त वर्ष में आय कमाते हैं और वित्त वर्ष की आय पर आपको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जो कि अगला साल होता है उसमें अपनी फाइनल टोटल इनकम का कैलकुलेशन करके टैक्स पे करना होता है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ये नहीं वेट कर सकती कि आप अगले वित्त वर्ष में जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो पे करें, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी इनकम है जो टीडीएस के दायरे में नहीं आती, टीसीएस के दायरे में नहीं आती, पर करदाता को समय समय पर प्राप्त होती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी संबंधित वित्त वर्ष के दौरान ही अपनी कुल आय का आकलन करें, उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका आकलन करें, और यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स के रूप में उस इनकम पर बनती है तो वो आप समय समय पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर चुकाते रहें। अब इसका बेनिफिट अगर मैं गवर्नमेंट को मानूं तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की इनकम अगले साल तक पोस्टपोन ना हो करके इसी साल में आती रहती है। ना केवल दोस्तों ये एक पक्ष है, बल्कि आप एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे, हो सकता है कुछ इंडिविजुअल करदाता मेरी इस बात से नाराज हो, पर आप इसे कॉर्पोरेट्स के संदर्भ में देखेंगे तो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स के डेटा से बहुत सी बार एक इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है यह भी पता करने का मौका मिलता है। यानी अगर एडवांस टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि रेवेन्यू बढ़ रही है लोगों के हाथ में, और अगर एडवांस टैक्स कलेक्शन घट रहे हैं तो सरकार को पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनकम थोड़ी सी कम हो रही है, तो हो सकता है सरकार संबंधित रिलीफ के उपाय भी उठा सके। अब दोस्तों, यहां पर आपसे ये चर्चा करूंगा, व्हेन अ पर्सन इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, कब किसी व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करने की जिम्मेदारी बनती है। तो अभी आप कहेंगे कि अनुप जी, आपने बोला ना कि वित्त वर्ष में जो आय होती है उसका हमें एक टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करना है और अगर एडवांस टैक्स देना है तो फिर हम पे करेंगे। अब एडवांस टैक्स देना कब है, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो बड़ा स्पष्ट रूप से यह कहता है कि एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेएबल बाय द असेसी ड्यूरिंग दैट ईयर एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इज 10,000 रुपीज और मोर। तो यदि आपका रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें और आपका नेट टैक्स लायबिलिटी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं या एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं नेट टैक्स लायबिलिटी, अगर वो नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,000 रुपए या ज्यादा आती है तो दोस्तों आपको एडवांस टैक्स देना है, अन्यथा आपको एडवांस टैक्स देने की जिम्मेदारी कतई नहीं है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न से ही आएगा कि अनुप जी, हाउ डू आई कैलकुलेट व्हाट इज माय नेट टैक्स लायबिलिटी। और इससे भी बढ़िया एक क्वेश्चन मेरे पास में यूट्यूब में किसी ने यह पूछा कि अनुप जी, एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते कैसे। तो आगे आने वाली स्लाइड में दोस्तों मैं आपके साथ यही एस्पेक्ट डील करने वाला हूं कि एडवांस टैक्स पर्पजेस से टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, अब यहां बात रखता हूं हाउ टू डिटरमाइन एडवांस टैक्स अमाउंट। एडवांस टैक्स का अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या स्टेप्स डिसाइड करने हैं। सबसे पहले, डिटरमाइन इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स लॉ 5 हेड्स ऑफ इनकम पर बात करता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो आप अपनी संबंधित वित्त वर्ष की इन पांचों हेड्स की जो इनकम हो सकती है उसका एक अनुमान लगाइए। इन सारे फिगर्स को जो इन सब हेड्स में निकल करके आते हैं उनको जोड़िए
और इससे आपके पास में ग्रॉस टोटल इनकम का फिगर डिराइव होगा। इस ग्रॉस टोटल इनकम के डिटर्मिनेशन के बाद में आपको ऐसे डिडक्शंस जो आप अंडर सेक्शन 80C लेते हैं, 80D लेते हैं, जैसे LIC प्रीमियम का पेमेंट, होम लोन का रीपेमेंट एक्सेट्रा, आप उन डिडक्शंस को भी एग्रीगेट करेंगे। तो जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों डिसाइड करी, उस ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जो डिडक्शन का क्वांटम डिसाइड किया है उसे माइनस करना है, और इस प्रकार आपके पास में टोटल इनकम निकल करके आएगी। ये आपके एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन के लिए पहला स्टेप है कि आप एक मोटा मोटी अंदाजा अपनी टोटल इनकम का निकालेंगे, तो आपके एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के सेकेंड स्टेप पर मैं आगे बढ़ूंगा। बात कर रहा हूं दोस्तों कि मानते हुए आपने अपनी टोटल इनकम निकाल ली, एक एस्टिमेटेड टोटल इनकम, कोई प्रिसाइज एस्टिमेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपने अगर एक बार अपनी टोटल इनकम निकाल ली तो उस टोटल इनकम के बाइफरकेशन कुछ हो सकते हैं, जैसे टोटल इनकम का कौन सा हिस्सा नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल होता है यानी स्लैब रेट पर, और टोटल इनकम का कौन सा हिस्सा स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होता है। आप कहेंगे अनुप जी मैं कुछ समझा नहीं है, नॉर्मल रेट स्पेशल रेट आपने क्या बोला, थोड़ा और बताएं। देखिए स्पेशल रेट का उदाहरण ऐसा समझते हैं कि अगर आपके पास में शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिस पर 15% टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जहां 1 लाख से ऊपर के गेन पर आपको 10% रेट से टैक्स देना है, तो ये स्पेशल रेट की इनकम है, और बाकी की इनकम आपकी सब स्लैब रेट के अंदर, न्यू स्लैब रेट या ओल्ड स्लैब रेट में फिट बैठेगी। अब ये जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया नॉर्मल रेट का या स्पेशल रेट का, इसको टोटल करेंगे। इस टोटल पर अगर आप पर सरचार्ज लागू होता है, जैसे 50 लाख से ऊपर की टोटल इनकम पर सरचार्ज लागू है, 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पर सरचार्ज की रेट बदलती है, तो आपकी टैक्स पर फर्दर सरचार्ज जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू है वो मल्टीप्लाई करके बढ़ाया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC जिसको मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, उसको भी आपको उससे 4% की रेट से बढ़ाना है। जो आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी अपनी, ये एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी आएगी जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑन फाइनल टोटल इनकम और एस्टिमेटेड टोटल इनकम प्लस सरचार्ज प्लस HEC, इसमें से आपको अब रिड्यूस करना है। ये रिड्यूस रिड्यूस करने के फिगर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या? जैसे आप TDS माइनस करेंगे, TCS माइनस करेंगे, सेक्शन 89 में रिलीफ हमें मिलती है कभी कभी, जहां पर एरियर ऑफ सैलरी मिला वो माइनस करेंगे, डबल टैक्सेशन रिलीफ भी हमें माइनस करनी है। जब आप ये सब चीजें माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो आपके पास में जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो एडवांस टैक्स पेबल कहलाएगा। यदि ये राशि 10,000 रुपए अथवा इससे अधिक है तो आप मान के चलिए आपको रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस टैक्स देना है, और यदि ये राशि दोस्तों 10,000 से कम है तो आप संबंधित वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स पे करने की अपनी लायबिलिटी से फ्री। सो आई होप यहां तक आते आते कॉन्सेप्चुअली हमें ये तो क्लियर हो गया क्योंकि एडवांस टैक्स कब पे करना है और एडवांस टैक्स डिटरमाइन करने का जो एक तरीका हो सकता है, एक अप्रोच हो सकती है, वो मैंने आपके समक्ष यहां पर एक्सप्लेन करी। दोस्तों अब आपसे ये बात कर रहा हूं कि यदि आपने मानस बना लिया कि चलिए एडवांस टैक्स मुझे देना है, मैंने एक प्रूडेंट टैक्स पेयर की दृष्टि से अपनी कैलकुलेशन भी कर ली, तो हाउ टू पे एडवांस टैक्स अमाउंट। अब मैं यदि निश्चित करता हूं कि मुझे एडवांस टैक्स देना है तो कैसे देना है, आप अपने इनकम टैक्स लॉगिन में जाएंगे, वहां पर आपको ई फाइलिंग के ऑप्शन पे जाना है। जब आप यहां क्लिक करेंगे सर, तो आपको नीचे 3-4 जो ऑप्शन मिलेंगे उनमें ई पे टैक्स का ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जब आप ई पे टैक्स का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट विंडो दिखेगी। इस नेक्स्ट विंडो में दोस्तों जैसे ही आप ई पे टैक्स पर क्लिक करके आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो राइट हैंड साइड में दिखेगा, न्यू पेमेंट। आपको यहां पर न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपका पैन यहां पर दिखेगा और आपके पास में ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स। अब आप देखिए यहां पर लिखा है इनकम टैक्स 100। यहां आपको इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स 100 का कोड सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है कि चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर चूज करना है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं वित्त वर्ष 23-24 यानी असेसमेंट ईयर हुआ 24-25। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं दोस्तों, लोगों से यह गलती हो जाती है कि वो
फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये गलती गलत है, गलती तो बिल्कुल होना स्वाभाविक है क्योंकि हर व्यक्ति को इनकम टैक्स के एस्पेक्ट की उतनी मजबूती से जानकारी नहीं होती, पर आप ये समझें कि जिस वित्त वर्ष के लिए मैं टैक्स का पेमेंट कर रहा हूं वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है और उससे अगला ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 मानी वित्त वर्ष 23-24 के लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं, और आपको यहां पर जो राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखेगा उसमें एडवांस टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप एडवांस टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों आपको फर्दर प्रोसीड करने पर ऑप्शन मिलेंगे कि आप कैसे अपना ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं एडवांस टैक्स का, आप एक चालान जनरेट करके किसी बैंक के, जनरली पीएसयू बैंक या आपके प्राइवेट बैंक भी एडवांस टैक्स की स्पेसिफाइड ब्रांचेज होती हैं जो एडवांस टैक्स एक्सेप्ट करती हैं, आप चालान यहाँ जनरेट करें और उस चालान का फिर प्रिंटआउट लेकर के रिलेवेंट बैंक में जाएं। आप आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू या किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली आप इस प्रकार इन ऑप्शन में से कोई एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करते हुए अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी फाइनली गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपके साथ में एक टेबल फॉर्मेट में ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट आर द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट होती क्या है कि चलिए मान लीजिए किसी करदाता ने तय किया कि मुझे फाइनली टीडीएस टीसीएस 89 की रिलीफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ वगैरह घटा के इस साल में 1 लाख और देना है। सरल उदाहरण से समझते हैं, तो ये जो 1 लाख और देना है उस 1 लाख के टैक्स को, ये टैक्स का अमाउंट है, मैंने इनकम का अमाउंट नहीं डिसाइड किया, इनकम से हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपने 1 लाख का अमाउंट दोस्तों तय किया, उस 1 लाख का 15% राशि आपको पहली इंस्टॉलमेंट जो कि दे होगी 15 जून तक, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे होगी 15 सितंबर तक, तीसरी 15 दिसंबर तक, और चौथी दोस्तों 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम पे कर रहे हैं इसलिए इसका नाम भी एडवांस टैक्स है। अब पहली किस्त में आपको 1 लाख का 15% यानी 15,000 देना है, दूसरी में 1 लाख का 30% 30,000 देना है, तीसरी में 1 लाख का 30% फिर 30,000 देना है, और चौथी में 1 लाख का 25% यानी 25,000 देना है। अब आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल के आया एडवांस टैक्स, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, आप ये परसेंटेज रेट जो मैंने यहां पर आपके सामने एलोबरेट करी, जो इनकम टैक्स लॉ से पिक की गई है, उनको चूज करिए। फाइनली दोस्तों अगर एग्रीगेट टर्म में बोलूं तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट में आपके एडवांस टैक्स की 15% राशि जमा हो जानी चाहिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट तक आपके द्वारा पे एडवांस टैक्स का 45% एडवांस टैक्स के रूप में जमा हो जाना चाहिए, तीसरी में 75% राशि, और चौथी में 100% एडवांस टैक्स आपकी ओर से जमा हो जाना चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं नहीं करने के, वो भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां दोस्तों आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष लेकर के आ रहा हूं, व्हाट इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड इन टाइम, कि अगर एडवांस टैक्स टाइमली नहीं दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग एडवांस टैक्स नहीं देते, इस सच्चाई से शायद आप ताल्लुक रखते हो। अब उसके कॉन्सिक्वेंस समझिए, अगर आप वो कॉन्सिक्वेंस भुगत सकते हैं तो जरूर नॉन कंप्लायंस करें, और नहीं भुगत सकते तो फिर कंप्लायंस करना ही है। पहला कंप्लायंस का, नॉन कंप्लायंस का इफेक्ट, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 भी, अगर आपने एडवांस टैक्स पे करना है और उसकी 90% राशि आपने 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक नहीं जमा कराई तो आपको अंडर सेक्शन 234 भी एट द रेट 1% पर मंथ का ब्याज देना पड़ेगा। आप कहेंगे अरुण जी क्या फर्क पड़ता है, एक उदाहरण से समझिए, किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये शॉर्ट रह गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टैक्स देने से, वो जनरली जुलाई में अपनी रिटर्न भरते हैं असेसमेंट ईयर के जुलाई में, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने और निकल गए, तो 50,000 रुपये पर 4 महीने का 4% का ब्याज उन सज्जन को और देना पड़ेगा। राशि छोटी है, हो सकता है किसी को फर्क ना पड़े, लेकिन राशि बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं इंपैक्ट कितना खतरनाक होगा। दूसरा इंपैक्ट समझिए, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, टू विच वी टेक्निकली कॉल्ड इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। दोस्तों डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो पे करनी पड़ती है, आप एक दिन भी डिले करेंगे तो आपको 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा एट द रेट 1% फॉर पर मंथ, यानी टोटल ब्याज एक दिन के डिले से 3 महीने के ब्याज के रूप में 3% पेबल होता है। तो मान लीजिए किसी को पहली किस्त देनी थी
1 लाख पर 15%, और उन्होंने 15 जून की जगह 16 जून को वो राशि जमा कराई, तो 15,000 पर सीधे एक दिन की डिले के बावजूद 3 महीने का ब्याज 3% की रेट से 450 देना पड़ेगा। तो आई होप जो ग्रेविटी यहां इन्वॉल्व है नॉन कंप्लायंस की वो आप समझ पाए होंगे, और मेरे हिसाब से ये पोर्शन आपको प्रेरित करेगा कि आप अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करें और उसका टाइमली भुगतान करें यथासंभव रूप से। दोस्तों अब अपने वीडियो के अंतिम पोर्शन पर आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं, हु इज एग्जम फ्रॉम एडवांस टैक्स पेमेंट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है जो आपको समझनी है, या एग्जम्पशन है जो आपको समझना है, क्योंकि चलिए एडवांस टैक्स से किसको मुक्ति मिली हुई है। सबसे पहले अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैविंग नो बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। यदि आप एक निवासी करदाता हैं जो कि सीनियर सिटीजन है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, जिनकी उम्र 60 या उससे अधिक की है और जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, वो एडवांस टैक्स से पूर्णतया एग्जम्प्ट है। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है जो एडवांस टैक्स से पूर्णतया एग्जम्प्ट है। लेकिन कुछ एडिशनल बात ये रख रहा हूं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं जो अपनी इनकम अंडर सेक्शन 44AD या 44AD ऑफ इनकम टैक्स लॉ ऑफर करते हैं, तो आप एडवांस टैक्स की राशि 4 किस्त में जमा कराने की जगह केवल एक इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि कोई विशेष नेचर की इनकम है, जैसे कैपिटल गेन इनकम, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम, या आपने इस साल नया बिजनेस सेटअप किया है, तो आपको जो सेक्शन 234C में डेफरमेंट का इंटरेस्ट लगता है, वो जिस दिन संबंधित इनकम हुई है उसके बाद की किस्तों में ही इंटरेस्ट लगेगा, पहले की किस्तों में उस डेफरमेंट का इंटरेस्ट आपको अंडर सेक्शन 234C नहीं लगेगा। यानी यहां जो 3 कैटेगरीज आपके समक्ष रखी, इन 3 कैटेगरीज में दोस्तों पहली कैटेगरी में तो आपको पूर्णतया एडवांस टैक्स पेमेंट से एग्जम्पशन है, और इन 2 कैटेगरीज में एग्जम्पशन नहीं है, पर कुछ हद तक आपको रिलीफ देने का प्रयास लॉ ने किया है, जो बात मैंने यहां पर एलोबरेट की। फाइनली दोस्तों अपने पेशेवर अनुभव से मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि बहुत से लोग एडवांस टैक्स की अपनी लायबिलिटी के प्रति कतई सतर्क नहीं है, और फाइनली जब वो अपनी ITR भरते हैं तो उनके टैक्स एडवोकेट, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके CMAs उनसे एडवांस टैक्स का पेमेंट कराते हैं, और उस समय उन्हें वो एडवांस टैक्स का जो ड्यू पेमेंट रह गया था विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B या 234C जो देना पड़ता है ब्याज, वो ब्याज बहुत चुभता है। सर वो ब्याज ना चुभे क्यों ना हम उसके लिए प्लानिंग करें और अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को टाइमली जमा कराएं। सो आई होप ये वीडियो आपको एडवांस टैक्स के इन्हीं एस्पेक्ट्स पर यूजफुल इंफॉर्मेशन देने में सक्षम रही होगी। यदि आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।